गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज हम करने वाले एरे का क्वेश्चन जो कि है फाइंड द सब एरे विद गिवन सम। और ये पॉजिटिव नंबर के लिए होगा, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यार कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है हमारी इसके लिए। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो मेरे पास इनपुट में क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर की 1, 4, 23, 10 और 5 ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा मेरे को सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम गिवन है मुझे। अब मुझे फाइंड करना है कि इस एरे के अंदर कोई एक ऐसा सब एरे है जिसका सम इज इक्वल टू इस सम के बराबर है जो मुझे गिवन है। ठीक है, तो वो मुझे फाइंड करना है। तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले देखेंगे पहला वाला एलिमेंट उठाएंगे, देखेंगे उसको, चेक करेंगे कि क्या वो सम के इक्वल है। अगर वो सम के इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो सब एरे कौन कौन से सब एरे हो सकते हैं, पहला सब एरे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सेकेंड वाला सब एरे क्या हो सकता है, 1 और 1.4 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा सब एरे हो सकता है मेरे पास, 1, 4, 20 हो सकता है, 1.4.20 हो सकता है। फिर अगला सब एरे मेरे पास क्या हो सकता है, फिर अगला एलिमेंट और आ जाएगा 1, 4, 20 और 3, 1.4.20.3। उसके बाद अगला मेरे पास सब एरे कौन सा आ जाएगा, 1.4.20.3.10। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला सब एरे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एरे है उसको ऐड कर देंगे, 1.4.20.3.10.5। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर इसमें भी मेरे को सम नहीं मिलता, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला सब एरे लूंगा। जब मैं लूप चलाऊंगा अपना इस, ये वाला जब मुझे एलिमेंट मिलेगा तो मैं कंपेयर कराऊंगा अपने सम के साथ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 और 4 को। फिर चेक कराऊंगा क्या ये इक्वल है सम के, अगर ये भी इक्वल नहीं है तो फिर आगे वाले एलिमेंट को ऐड करूंगा। ठीक है, फिर चेक कराऊंगा सम के साथ तो देखूंगा क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आगे वाला सब एरे एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद नहीं होगा तो एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद नहीं होगा तो एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या होगा, एक लूप तो पूरा चल गया है मेरा, है ना, पूरे एलिमेंट ट्रैवर्स हो गए। अभी भी मेरे को क्या मिला, सम नहीं मिला है अगर अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करके देख लो, अगर 1 1 है, 1 और 1 33 के बराबर नहीं है, 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है, 5 33 के बराबर नहीं है। उसके बाद 1, 4, 20 कितना होता है, 25 होता है, जो कि 33 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद देखो 1, 4 कितना हो गया, 5, 25, 3 और 28 हो गया, इसके बराबर नहीं है। फिर 28 और 10 कितना हो गया, 38 हो गया, है ना, 38 भी क्या है, इसके बराबर नहीं है। उसके बाद बड़ा हो गया है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर इसको हमने ऐड करके देखा आगे, तो ये भी इसके बराबर नहीं है। तो यानी कि इस वाले पास में हमको, इस वाले ट्रैवर्सिंग में हमें नहीं मिला। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब पता चल रहा होगा आपको कि एक लूप से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जब मैं सेकेंड लूप चलाऊंगा अपना, ठीक है, सपोज ये वाला मैंने आई के लिए चलाया एक लूप और एक लूप चलाया जे के लिए। तो आई में क्या करूंगा, मैं ये वाला एलिमेंट उठाऊंगा। ठीक है, पहले आई से देख लूंगा कि क्या ये एलिमेंट इसके बराबर है, अगर नहीं है तो फिर जे वाला लूप चलेगा। जे में क्या होगा, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जे कहाँ से होगा, आई प्लस वन से स्टार्ट होगा। तो हम जे करेंगे 4 से स्टार्ट, तो 4 और 1 को मैं ऐड कर दूंगा, चेक करूंगा। तो दूसरा वाला जब जे का लूप चलेगा तो क्या होगा मेरा, अगर सेकेंड वाला इटरेशन चलेगी, जैसे आई की इटरेशन चल गई मेरी, अब जब सेकेंड बार में आई यहाँ पर होगा, आई का इंडेक्स बढ़ेगा, आई 4 पे चला जाएगा, तो पहला सब एरे मेरे पास क्या होगा, 4 होगा, मैं 4 को चेक करूंगा। दूसरा सब एरे मेरे पास क्या होगा, 4 प्लस आगे की एलिमेंट, है ना, 4.4+20 होगा मेरे पास। इस तरह से जे में क्या होगा, एक एक करके एलिमेंट हम उठाते रहेंगे, अगली बार आई की वैल्यू 20 चली जाएगी तो ये 20 से स्टार्ट होगा, अगली बार आई की वैल्यू 3 चली जाएगी तो 3 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे ब्रूट फोर्स में। ठीक है, तो एक बार इसका कोड लिख लेते हैं, ब्रूट फोर्स का आसान है काफ़ी, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें ब्रूट फोर्स में इसको सॉल्व करना है। तो जो ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें देखो दो लूप यूज हो रहा था, इसकी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधे सीधे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इनपुट में एक एरे दिया हुआ है, सम दिया है, मैं लेंथ निकाल लेता हूँ एरे की यहाँ पे। ठीक है, मैंने लेंथ निकाल ली एरे की। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज, ठीक है, एन तक मुझे चलाना है ये वाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू सम करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें आई का जो फर्स्ट वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ कि जो मैंने ए आर आर ऑफ आई यानी कि कौन सा एलिमेंट आया मेरे पास, 1 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है 1 है, लेकिन जब एरे इस तरह का होगा आपको पता नहीं होगा क्या एरे पास हो रहा है इनपुट में, उस टाइम पे आप कैसे वो करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक कराएंगे इफ़ न्यू सम इज इक्वल इक्वल टू सम
सम मुझे यहाँ पे गिवन है देखो 33, तो न्यू सम की वैल्यू अगर 33 होगी तो क्या कर देगा यहाँ से, रिटर्न कर देगा ये, है ना, इंडेक्स रिटर्न कर देगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गिवन सम इज एट इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे तो आई के अंदर ही मिल गया है ना, जब मैंने आई को कॉल किया तो उसके अंदर ही मिल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई, इस इंडेक्स पे मुझे अपना गिवन सम मिल गया, यानी कि पहला एलिमेंट ही जो था वो 33 था सपोज, ठीक है। तो उस केस के लिए हमने ये कंडीशन लगाई, अगर ऐसा नहीं है, मेरा गिवन सम अभी तक मुझे मिला नहीं है ना, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, फिर मुझे नीचे का कोड मुझे रन करना नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये सम इक्वल नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा फॉर जे इन रेंज, और वो मैं स्टार्ट करूंगा आई प्लस वन से, है ना, लेके एन तक करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, न्यू सम कैलकुलेट कर लूंगा, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, जब आई की वैल्यू वन होगी, यानी कि आई जब यहाँ से आई स्टार्ट हुआ, फॉर आई, आई ने क्या उठाया, सबसे पहले आई ने जीरो दिया, जीरो इंडेक्स पे वन रखा हुआ है, इसने चेक कराया भैया न्यू न्यू सम के अंदर, इसने क्या कर दिया, वन रख दिया यहाँ पे, ठीक है, न्यू सम के अंदर इसने वन रख दिया। अब न्यू सम इक्वल इक्वल टू सम कराया, सम की वैल्यू 33 है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं, इस कंडीशन में आएगा नहीं, फिर जे में चला जाएगा, फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन टू एन, आई प्लस वन की वैल्यू क्या है मेरी, आई की वैल्यू अगर जीरो है ना, तो आई प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस वन वन होगी, यानी कि ये इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जे का जो लूप चलेगा वो वन इंडेक्स से लेके एन तक चलेगा, ठीक है, साइज ऑफ एरे तक। तो वन इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, फोर रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देखा भाई, न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ जे, न्यू सम में क्या था मेरा, वन रखा हुआ था, क्योंकि आई की जीरो इंडेक्स, आई ने जीरो इंडेक्स दिया, तो जीरो इंडेक्स पे वन था, और जे के फर्स्ट इंडेक्स पे फोर रखा हुआ था, ठीक है। तो फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव हो गया। अब मैं कंपेयर करा लूंगा यहाँ पे, कि इफ न्यू सम इज इक्वल इक्वल टू सम है क्या, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट गिवन सम, वही वाला गिवन सम इज एट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो इंडेक्स देने पड़ेंगे ना, एक तो आई का इंडेक्स देना पड़ेगा और एक मुझे जे का इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक आई कर देता हूँ यहाँ पे, कॉमा करके यहाँ पे लिखता हूँ, एंड एक में जे का इंडेक्स पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब जब जे पे मुझे वो इंडेक्स मिलेगा, तो आई और जे दोनों की वैल्यू ऐड हो रही होगी, दोनों इंडेक्स पे वैल्यू ऐड हो रही होगी, तभी मुझे ये सम मिला होगा, तो मैं आई और जे दोनों यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा अपना यहाँ से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये वाला सम मिल जाएगा, ये हो गया। तो एक बार ट्रैवर्स करते हैं, वन और फोर को चेक किया हमने, जे वाला लूप चल रहा है अभी आपका, आई आई ने क्या दिया आपको, वन दिया, और जे फोर से स्टार्ट हुआ, तो वन प्लस फोर किया हमने, क्योंकि न्यू सम में क्या था, हमने आई की वैल्यू स्टोर कर दी थी वन, और जे हमारा फोर से स्टार्ट हुआ था, ए आर आर ऑफ जे, तो फोर प्लस वन फाइव हो गया, फाइव तो है नहीं, फिर जे फिर से चला, जे चला गया 20 पे, ठीक है। जब जे 20 पे गया तो न्यू सम की वैल्यू कितनी हो गई थी, फाइव हो गई थी, 25 हो गई अब, है ना, न्यू सम में ऐड हो रहा है हर बार, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ जे, तो 25 चेक किया भैया, 33 के बराबर है क्या, उसने बोला नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से क्या हुआ, आगे चला, फिर 3 ऐड हुआ, 28 हो गया, फिर 10 ऐड हुआ, 28 प्लस 10 कितना होता, 38 हो जाता है ना, ये भी नहीं है। फिर आगे गए हम, फिर 5 ऐड कर दिया हमने, 38 और 5 कितना होता है, 43, तो ये भी नहीं था। फिर अगले पास, अगली बार क्या हुआ, लूप पूरा चल गया ये यहाँ से, फिर आई के पास चले गया कंट्रोल, ठीक है। आई क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, आई क्या हो गया, फोर पे चला गया। अब आई की वैल्यू न्यू सम में नई वैल्यू क्या है, फोर है, और उसके बाद इसने चेक किया, फोर इज इक्वल टू 33, तो ऐसा तो है नहीं। उसके बाद नीचे आया भाई, आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, आई प्लस वन, जे अगर फोर है तो सॉरी, आई अगर फोर है तो जे क्या होगा, 20 होगा, तो 20 प्लस फोर कितना हो गया, 24 हो गया यहाँ पे, 24 33 के बराबर है नहीं। आगे गए हम, फिर 24 प्लस 3 ऐड हुआ, 28 हो गया, है ना, ये भी बराबर नहीं है। फिर 10 ऐड हुआ तो 38 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, है ना, ये भी बराबर नहीं। फिर 5 ऐड हुआ, 43 हो गया, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आई 20 पे चला गया, और जे कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 20 पे चेक किया हमने, 20 इज इक्वल टू सम है क्या, उसने बोला नहीं भाई, सम 33 है और आपका न्यू सम में जो है वो 20 रखा हुआ है, तो ये बराबर नहीं है। फिर नीचे आ गए हम, जे क्या है, आई प्लस वन है, जे 3 है, 20 प्लस 3 कितना होता है, 23 होता है ना। तो यहाँ पे आ गया न्यू सम में नई वैल्यू, 23 आ गई, 23 को चेक किया सम के साथ, तो ये नहीं था।
है, उसके बाद 23 हो गया था हमारा, फिर 23 को 33 से चेक किया, नहीं हुआ, उसके बाद हमारा आगे बढ़ गया जे का लूप, फिर आगे जे कहाँ पे आ गया, 10 पे आ गया, 23 प्लस 10 किया 33 हो गया न्यू सम की वैल्यू। अब न्यू सम इक्वल टू सम चेक किया, सम में कितना था 33 और न्यू सम में भी कितना था 33, तो ये दोनों मैच हो गए यहाँ पे, सम मेरा मैच हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आई मेरा कहाँ पे था, आई था मेरा 20 पे, है ना, 20 से स्टार्ट हुआ था आई, और मेरा जो जे की वैल्यू थी वो कहाँ पे आ गई थी, 10 पे, और यहीं पे क्या हो गया, मैच हो गया। तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं, ये एक ऐसा सब एरे है जिसमें मेरा गिवन सम मिल रहा है मुझे, है ना, 33 मिल रहा है मुझे। तो यहीं से मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा आई और जे की वैल्यू को, और यहाँ से रिटर्न मार दूंगा, तो यही मेरा आउटपुट जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं टर्मिनल पे, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, गिवन सम इज एट इंडेक्स 2 एंड 4, तो 2 कौन सा है, 0 1 2 20 3 4 10, ठीक है। तो यानी कि 2 और 4 ये के यहाँ से, 2 से स्टार्ट इंडेक्स है और जो मेरा 4 है वो एंड इंडेक्स, तो ये वाला जो सब एरे है मेरा, यही है मेरा गिवन सम जिसमें मिल रहा है मुझे, वो सब एरे है, ठीक है। तो ये तो हो गया यार ब्रूट फोर्स वाला तरीका, है ना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ एफ एन स्क्वायर, तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी तरीके से, है ना। तो अब एक दूसरी अप्रोच मैं बताता हूँ, स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच है। सपोज स्लाइडिंग विंडो का एग्जांपल देता हूँ, उसमें होता क्या है बेसिकली, सपोज आपके पास एक चेन दी हुई है ना, एक आयरन की चेन है आपके पास बहुत बड़ी, और उसको आपको पेंट करना है ना, उसमें ऑयलिंग करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि यार क्या करो, आप एक एंड से ऑयल के डिब्बे को पोर करो चेन पे, और क्या होगा, सारा ऑयल चेन पे हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप किसी कपड़े के थ्रू कपड़े को ऑयल पे डालो, और उस कपड़े से एक चेन के किसी एक पोर्शन को पेंट करो, उसके बाद उस पोर्शन को पीछे करके स्लाइड कर दो, और आगे वाले पोर्शन को पेंट करो, फिर उस आधे पोर्शन को फिर स्लाइड करो, फिर आधे पोर्शन को पेंट करो, फिर स्लाइड करो, फिर आधे पोर्शन को पेंट करो, इस तरह से पूरी चेन पेंट हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसी टेक्निक को कहते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली हम क्या करेंगे कि यार पहले एक सब एरे उठाएंगे, उन दोनों को सम अप करेंगे, और देखेंगे कि क्या वो हमारे जो रिक्वायर्ड समय उसके बराबर है क्या। अगर वो उसके बराबर होता तो ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो फिर अगले वाले के साथ सम करेंगे, ठीक है। सपोज आपका सम अगर क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है सम, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो हिस्सा था, सबसे पहले वाला हिस्सा, उसको हटा देंगे वहां से, है ना, क्योंकि सम क्या है, बड़ा बड़ा हो गया। अभी भी अगर सम बड़ा है तो फिर पीछे एक और आगे वाले हिस्से को हटा देंगे वहां से, है ना। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे हम इस चीज को। तो यहाँ पे देखो, मैंने बना रखा है, यहाँ पे एरे दिया हुआ है, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है, ठीक है, आपके इंडेक्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5, और सम आपको 33 है आपका, और ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम आपका 33 है। तो इसे हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो के हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्लाइडिंग विंडो में होता क्या है, बेसिकली आप क्या करोगे, एक जैसे आपने न्यू सम लिया था अभी, वैसे ही आप क्या करोगे, एक न्यू सम ले लोगे सबसे पहले, ठीक है। मैंने एक न्यू सम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक न्यू सम नाम से वेरिएबल ले लिया मैंने। न्यू सम में क्या कर दूंगा, मैं ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू डाल दूंगा, ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू, और जहाँ पे मेरा स्टार्ट क्या है, 0 होगा, है ना, स्टार्ट जो मेरा होगा, स्टार्ट को मैं 0 से इनिशलाइज कर दूंगा, स्टार्ट इक्वल टू 0 कर दिया। अब न्यू सम एक वेरिएबल बनाया, उसमें ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया, ए आर आर ऑफ स्टार्ट यानी कि न्यू सम में मेरा भी क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना एक फोर लूप स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जो कि कहाँ से चलेगा, मेरा स्टार्ट प्लस 1 से लेके एंड तक चलेगा, स्टार्ट प्लस 1 यानी कि 1 से लेके एंड तक चलेगा एरे के, है ना, एंड तक चलेगा, ठीक है। तो मैंने लूप स्टार्ट किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब अगले वाले एलिमेंट को सम करना स्टार्ट करूंगा, जो भी लूप से मुझे एलिमेंट मिलेगा, तो लूप से मेरा पहला एलिमेंट मेरे को मिलेगा 4, तो 4 प्लस क्या कर दूंगा, न्यू सम कर दूंगा। तो यानी कि न्यू सम लूप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड में लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लूप फ्रॉम स्टार्ट प्लस 1 टू एंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू सम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ही तो हम सम करेंगे, न्यू सम इक्वल टू क्या करेंगे, न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ जो भी आपका लूप है आई, क्योंकि इसमें एक ही लूप चलाएंगे हम, ठीक है, दो लूप नहीं चलाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास न्यू सम में क्या आ गया था, ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पॉइंटर को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट मेरा यहाँ पे था अभी 0 पे। उसके बाद जब मैंने लूप चलाया, तो लूप मैंने कहाँ से चलाया, स्टार्ट प्लस 1 से, यानी कि यहाँ से चलाया लूप, तो 1 प्लस 4 कर दिया मैंने, 1 प्लस 4। मैं यहाँ पे चेक करूंगा यार कि
क्या मेरा ये सम के बराबर है क्या, जो मेरा 1 + 4 करके आ रहा है वो मेरा सम के बराबर है? सम कितना है मेरा 33 है, तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐड होगी, इसका मतलब है ना, यहाँ पे इफ न्यू सम इज इक्वल इक्वल टू सम, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग इंडेक्स को, है ना, रिटर्न इंडेक्स। अदरवाइज एल्स के केस में क्या होगा, एल्स के केस में फिर क्या करेंगे, आपका जो स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, सॉरी, एल्स के केस में क्या होगा, दोबारा से आपका न्यू सम फिर से ऐड होगा, इफ है तो ये ऐड जाएगा, अदरवाइज फिर से आगे वाले उसमें चला जाएगा, तो जे की वैल्यू अब आई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, 1 + 4 कितना हो गया था, 5, 5 + 20 करेंगे अब, है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 25 चेक होगा, 25 इक्वल टू 33, तो ये बोलेगा नहीं भैया ऐसा तो है नहीं, फिर दोबारा से लूप चलेगा। फिर 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 33, तो ये बोलेगा नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, फिर दोबारा से लूप आगे घूमेगा। फिर 28 + 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब ये बोलेगा भाई ये तो बड़ा हो गया, मतलब मेरा जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया इससे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे एक लूप चला देंगे वाइल का, वाइल, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडीशनल कंडीशन को चेक करने के लिए लगाएंगे कि न्यू सम इज ग्रेटर देन सम, ठीक है, क्योंकि अब हमारा न्यू सम जो है वो बड़ा हो गया सम से। अगर ऐसा हो जाता है, जैसे ही आप सम करोगे उसके बाद ये कंडीशन लगाओगे, न्यू सम इज ग्रेटर देन सम है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम माइनस ए आर आर ऑफ स्टार्ट, है ना, ये कर देंगे। स्टार्ट कहाँ पे रहेगा हमेशा आपका, यहाँ पे रहेगा, जब सम की वैल्यू बड़ी हो जाएगी जो आप सम कर रहे हो, तब आपका स्टार्ट मूव करेगा आगे, ठीक है, माइनस करने के बाद। आपने क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, कितना आ गया था आपका, 38 आ गया था, 38 - 1 कितना हो गया, 37 हो गया, और स्टार्ट की वैल्यू को आप यहाँ पे आगे बढ़ा दोगे, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1 हो जाएगा, तो स्टार्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक होगा, इफ न्यू सम इक्वल टू सम है क्या, है ना, तो सॉरी, तो वाइल न्यू सम इज ग्रेटर देन सम, ठीक है, जब तक आपका न्यू सम की वैल्यू सम से बड़ी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी आपका कितना आ गया था, 38 आ गया था, 38 इज ग्रेटर देन सम है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई 38 ग्रेटर देन क्या है मेरा, 33 है। तो क्या होगा यहाँ पे, न्यू सम 38 माइनस ए आर आर ऑफ स्टार्ट, ए आर आर ऑफ स्टार्ट में कितना था, 1 था, तो 38 - 1 कितना हो गया यहाँ पे, 37 आ गया, है ना, और स्टार्ट कहाँ गया आपका, स्टार्ट आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो आई का लूप था ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं खिसकेगा, ठीक है, क्योंकि सम आपका बड़ा हो गया, तो यहीं पे रहेगा ये आई की वैल्यू। उसके बाद दोबारा से ये वाइल लूप चलेगा, क्योंकि अभी भी 37 जो है वो 33 से बड़ा है, 37 इज ग्रेटर देन 33 बोलेगा हाँ भाई कंडीशन सही है, अंदर आ जाओ। अब ये क्या करेगा, न्यू सम माइनस फिर से ए आर आर स्टार्ट को माइनस कर देगा, फिर ये 4 हटा देगा उसमें से, है ना, और स्टार्ट को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखो 37 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, है ना, और स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1 हो जाएगा, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, स्टार्ट यहाँ पे था, स्टार्ट यहाँ पे आ गया। उसका दोबारा से वाइल लूप चला, अब 33 ग्रेटर देन सम है क्या, तो सम भी 33 है आपका, न्यू सम जो आया वो भी 33 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे चेक करेगा, इफ सम इज ग्रेटर इक्वल इक्वल टू सॉरी इफ न्यू सम इज इक्वल इक्वल टू सम, तो रिटर्न क्या कर देगा ये, यहाँ पे प्रिंट करा देगा स्टेटमेंट, जैसे हमने पिछले वाले उसमें कराई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या करा देता हूँ मैं, प्रिंट करा के रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों के इंडेक्स तो प्रिंट हो जाएंगे भाई, कि मेरा जो गिवन सम था, गिवन सम इज एट इंडेक्स, ठीक है, कौन कौन से इंडेक्स पे मिला मुझे गिवन सम, एक तो मेरे को मिला स्टार्ट से, ठीक है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर एरे में, देखो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे आ गया था, यानी कि 23 हो गया, 10 कितना हो गया, 33, यानी कि इस यहाँ से लेके जो मेरा आई था वहां तक, यानी कि स्टार्ट कॉमा आई हो जाएगा आपका, स्टार्ट एंड आई, ठीक है, क्योंकि आई यहाँ तक चला था आपका 10 तक, जो 4 वाले इंडेक्स तक चला था, तभी आपका क्या हो गया था, सम बड़ा हो गया था, और स्टार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आया था, तो आपका सम जो है इक्वल हो गया था। तो स्टार्ट से लेके एंड तक वो इंडेक्स हैं जहाँ पे हमारा एक सब एरे है जिसका सम इज इक्वल टू गिवन सम हो जा रहा है, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे क्या है, आपने एक स्टार्ट एक एरे दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका स्टार्ट रख दिया मैंने, एक एरे दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसमें
छह नंबर है, मैंने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3 4 5, सम आपको गिवन है इनपुट में, सम इक्वल टू 33। अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम इज इक्वल टू 33 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, एक स्टार्ट ले लिया जिसकी वैल्यू को मैंने जीरो से स्लाइस कर दिया, यहाँ पे देखो जीरो से स्लाइस कर दिया इसको, ठीक है। और एक ये पॉइंटर रख लिया जो कि आई को दर्शाता है, ठीक है, ये आई के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर रख लिया। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया न्यू सम, जिसमें कि मैंने स्टार्ट की वैल्यू रख ली। स्टार्ट कितना है आपका, जीरो है ना, तो जीरो की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है, मैंने वन रख लिया इसके अंदर, न्यू सम के अंदर वन आ गया। अब मैंने एक लूप स्टार्ट किया स्टार्ट प्लस वन से, है ना, स्टार्ट आपका कहाँ पे है, जीरो पे है, जीरो प्लस वन से एक लूप स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ से मैंने एक लूप स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है, वन से। तो मैं क्या करूँगा, हर बार एलिमेंट को सम करूँगा न्यू सम में, ठीक है। तो अभी आपका करंट में न्यू सम कितना है, क्योंकि न्यू सम में आपने केवल वन डाला है, तो वन प्लस ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से फोर से स्टार्ट हो रहा है आपका लूप, है ना, तो वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, न्यू सम में आ जाएगा फाइव। अब इसके अंदर चेक होगा, वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी, क्या न्यू सम की वैल्यू सम से बड़ी हो गई है, तो न्यू सम में क्या है, फाइव है, फाइव इज ग्रेटर देन 33 है क्या, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे चेक करेगा इफ न्यू सम इज इक्वल टू सम, ये भी नहीं है, दोबारा से लूप चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से लूप के पास, लूप अब एक आगे चला गया होगा, लूप कहाँ पे आ गया होगा, लूप आ गया होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो न्यू सम में वैल्यू है वो है आपकी फाइव, अब फाइव प्लस कितना होगा, यहाँ पे लूप के अंदर आया न्यू सम इक्वल टू न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, तो न्यू सम में था फाइव प्लस ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 20 है, फाइव प्लस 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर चेक होगा 25 इज ग्रेटर देन 33 है क्या, है ना, तो अगर ऐसा है तो अंदर आएगा, अदरवाइज बाहर ही रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं, 25 33 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ चेक करेगा क्या 25 33 के बराबर है, ऐसा भी नहीं है, फिर आगे चला जाएगा लूप, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अभी तक का न्यू सम कितना हो चुका है हमारा, 25 हो चुका है, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 3 है, और न्यू सम में 25 था लास्ट जब इटरेशन की थी, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब फिर चेक करेंगे 20 इज ग्रेटर देन 33, ये नहीं है, 20 इज इक्वल टू 33 ऐसा भी नहीं है, फिर लूप आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 पे। अब अभी तक का सम हमारा न्यू सम में कितना था, 28 था, 28 प्लस ए आर आर ऑफ आई 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। फिर चेक करेंगे न्यू सम इज ग्रेटर देन सम है, न्यू सम की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 38, 38 इज ग्रेटर देन 33 है, बिल्कुल कंडीशन सही, व्हाइल लूप के अंदर आ गया। अब ये चेक, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम माइनस ए आर आर ऑफ आई, यानी कि जैसे ही आपका सम ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, पीछे से एलिमेंट आगे, सॉरी आगे से क्या करता है, ये एलिमेंट को रिमूव करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे आपका स्टार्ट इंडेक्स था, ठीक है, जहाँ पे हमने स्टार्ट को रखा था, स्टार्ट हमने नहीं किसका आया, केवल लूप की वैल्यू किसका आई है, स्टार्ट को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया था। तो अब ये क्या करेगा, न्यू सम में से माइनस कर देगा ए आर आर ऑफ स्टार्ट, ए आर आर ऑफ स्टार्ट पे क्या है, वन रखा हुआ है, तो हमारा न्यू सम कितना आ गया था, 38, 38 माइनस वन करेगा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और स्टार्ट को आगे बढ़ा देगा, स्टार्ट को इसने आगे बढ़ा दिया और न्यू सम की वैल्यू होगी 38। फिर से वाइल लूप चला, 37 इज ग्रेटर देन सम है क्या, 37 इज ग्रेटर देन 33 है, फिर से अंदर आ गया, इसने क्या करा, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम यानी कि 37 माइनस ए आर आर ऑफ स्टार्ट, ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 4 है, 37 माइनस 4 कितना हो जाएगा, न्यू सम में 33 आ जाएगा, और स्टार्ट को फिर से आगे बढ़ा देगा, ठीक है, स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया। अब नीचे जाके दोबारा से चेक किया वाइल लूप में, 33 इज ग्रेटर देन 33, सम भी 33 है और न्यू सम भी 33 है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। नीचे आया इफ न्यू सम 33 इक्वल इक्वल टू सम 33, है ना, दोनों 33 है, दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन मैच होगी, इसने यहाँ से क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसने रिटर्न मार दिया कि मेरे को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो मुझे मिल चुका है, अब मुझे आगे एग्जीक्यूट नहीं करना कोड को, और यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये है, अब चलो यार यही वाला क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे कोड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास करूँगा, एक करूँगा ए आर आर, ठीक है, और एक क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे अपना जो मेरा जो मेरे को गिवन सम है वो कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, स्टार्ट को इनिशियलाइज किया था, एक वेरिएबल लिया था मैंने स्टार्ट, उसको इनिशियलाइज किया था। एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए आर आर कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू सम बना लूँगा वेरिएबल, न्यू सम इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ स्टार्ट, है ना, सबसे पहले हमने स्टार्ट डाल दिया था न्यू सम के अंदर, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट डाल दिया था हमने, स्टार्ट यहाँ पे था ना, स्टार्ट को जी, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं अपने स्टार्ट को डाल दूंगा, ठीक है। तो न्यू सम में क्या आ गया मेरा, अभी वन आ गया, ठीक है।
उसके बाद नीचे चलते हैं। अब क्या किया था मैंने, उसके बाद फॉर लूप चलाया था, है ना, फॉर लूप चलाया था मैंने अपना। तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर लूप कहाँ से चलाऊंगा मैं, स्टार्ट प्लस वन से चलाऊंगा, तो यहाँ से चलेगा। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो यानी कि वन फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा, स्टार्ट प्लस वन से चलेगा ये, और कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, है ना, एरे के एंड तक चलाएंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मेरे को, न्यू सम कैलकुलेट करना है, नया वाला न्यू सम इक्वल टू न्यू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। अब मैंने एक वाइल कंडीशन लगाई थी, वाइल न्यू सम इज ग्रेटर देन सम, ठीक है, अगर न्यू सम आपका बड़ा हो जाता है सम से, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है, न्यू सम इक्वल टू न्यू सम माइनस ए आर आर ऑफ, क्या करना था, स्टार्ट को माइनस कर रहे थे, है ना, ए आर आर ऑफ स्टार्ट को हम माइनस कर रहे थे। यहाँ पे देखो, ए आर आर ऑफ स्टार्ट को माइनस करते थे, और आई ए आर ऑफ स्टार्ट को माइनस करते थे, उसके बाद क्या हो गया, आई को आगे बढ़ाते थे, है ना, आई तो आगे अपने आप बढ़ जाएगा, और स्टार्ट को एक आगे बढ़ाते थे, स्टार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, तो चेक करेंगे क्या वो बराबर है, क्या न्यू सम सम के इक्वल है क्या, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो, यहाँ पे प्रिंट गिवन सम इज एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में मिलेगा मेरे को, एक पे स्टार्ट पे मिलेगा, और कॉमा एंड एक मिलेगा मेरे को आई पे, ठीक है। और यहां से मैं करा दूंगा रिटर्न, यही था मेरा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, उसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरा सम एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो यहाँ पे एक प्रिंट करा दो, प्रिंट नो सब एरे एग्जिस्ट, नो सब अरे एग्जिस्ट, ठीक है, एक कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे मैंने इक्वल इक्वल करना है, ठीक है। तो ये कोड लिख दिया मैंने पूरा, ठीक है। इसको एक बार क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो वाला मेथड रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू स्लाइडिंग विंडो, उसमें मुझे क्या करना है, ए आर आर पास करना है, कॉमा सम पास करना है। आप वैल्यू को भी रिटर्न करना चाहते हो इंडेक्स की, तो वहाँ से रिटर्न कर दो, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है, यहाँ से आप रिटर्न कर दो, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा लो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ दूसरे मेथड को भी, गिवन सम इज एट इंडेक्स यूजिंग स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। देखो 2n4 आया, इसका भी क्या आया, 2n4 आया, स्लाइडिंग विंडो से भी वही आया, और इससे भी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन होगी, ओ वन होगी, स्पेस है ओ वन, को भी कोई भी स्टोरेज यूज नहीं करने, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं, ये वाइल लूप जो हो रहा है वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज हो रहा है, तो क्या होगा, ये ON में ही जाएगा, ठीक है। और ये इसमें दो लूप यूज कर रहे हैं, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ वन ही रहेगी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ वन है, ठीक है। वाइल लूप यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस कंडीशन बेस पे हो रहा है, कंडीशन चेक करने के लिए हो रहा है, जबकि जब हमारा न्यू सम जो है बड़ा हो जाता है, उस टाइम पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो रही, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन ही रहेगी। तो आई होप यार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी आपको ईजी लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में भी, तो आपके वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ क्या कहते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और इसका नोट्स में जो भी हमने ये काम किया, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो इसका कोड, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।